मैं हूं आपके साथ मलय। हम लगातार फर्जी आईएस गैंग पर बात कर रहे हैं, हम आज भी इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। इन मुद्दे पर हमारा यह तीसरा पार्ट होगा। आज हम इस गैंग के फैलाव पर बात करेंगे कि कहां तक इस गैंग ने अपना प्रभाव जमाया, किन किन अधिकारियों पर गैंग ने जाल बिछाया, किन किन अधिकारियों ने प्रभाव में आकर इसके कहे अनुसार गैंग को मदद की। यहां पोल खोल होगा, चौथा स्तंभ के पोल खोल के साथ लोग सावधान हुए हैं, अधिकारी सावधान हुए हैं, इस सीरीज की प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मधुबनी जिला के एक वरीय अधिकारी के संपर्क में था यह गैंग। झंझारपुर एसडीएम को फोन आता था, अनुमंडल क्षेत्र के एक से अधिक वीडियो को फोन आता है, मनरेगा पीओ को फोन आता है, आंगनवाड़ी में पैठ बनाने की बात आ रही है, एक बार नहीं बार बार फोन आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर फोन आता है। अनुमंडल के कई अधिकारी से कथित आईएएस अधिकारी मिनट दो मिनट का नहीं घंटों तक बात करते हैं। आश्चर्य है कि कोई भी अधिकारी इस गैंग पर शक नहीं करते, वरन सहयोग करते रहे हैं। अभी तक किसी भी आईएएस के पास छोटी से छोटी बातों को लेकर इतना समय कहां होता कि वो घंटों बात करे। अगर किसी अधिकारी को शक हुआ तो समय रहते उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन सा भय सता रहा था अधिकारियों को, किस खौफ में जी रहे थे अधिकारी? यह कथित आईएएस उत्सव कौशल, जो खुद को अंधराठाड़ी प्रखंड के ननौर का वासी बता रहा था, वह मधुबनी जिला में ही है। यह कहां झंझारपुर का ही हिस्सा है, यह गांव झंझारपुर का ही हिस्सा है, इसी के अधीन अंधराठाड़ी प्रखंड है, तो फिर वहां से खोजबीन क्यों नहीं की गई? जिस गांव में आज तक कोई आईएएस हुआ ही नहीं, वहां कोई उत्सव कौशल राजस्थान में डीडीसी कैसे हो सकता है? यह सवाल है जिसका जवाब यहां के अधिकारियों को देना चाहिए, या फिर इसमें भी घालवेद है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आवास योजना, नल जल योजना, मनरेगा योजना, आंगनवाड़ी में सेविका बहाली तक पर इस गैंग के हस्तक्षेप का, जिसमें कथित है इस अधिकारियों से अपने मनमर्जी काम भी करवाता रहा है यह गैंग। हमें इस मसले में झंझारपुर के पूर्व वीडियो विकास कुमार का सहयोग मिला, हमें मधेपुर की वीडियो अर्चना कुमारी का पक्ष प्राप्त हुआ, फिर लखनऊ मनरेगा के प्रोग्राम अधिकारी स्वतंत्र कुमार का सहयोग प्राप्त हुआ इस गैंग का पर्दाफाश करने में। सारे अधिकारियों ने कथित आईएएस उत्सव कौशल का फोन आने की बात स्वीकार की है, एक बार नहीं कई बार फोन आया है। गौर करने वाली बात है कि अधिकारी का पोस्टिंग होने की भनक गैंग को तुरंत लग जाती थी, ज्वाइनिंग से पहले ही अधिकारियों से बात भी कर लिया जाता था कि प्रखंड में सब कुछ उसी के मुताबिक चले। अब देखिए, तीन चार माह पूर्व कोरोना संकट को संभालने के लिए झंझारपुर में जिले के बड़ी उपसमाहर्ता विकास कुमार का बतौर वीडियो पदस्थापन होता है। इसके लिए नोटिफिकेशन होते ही गैंग सक्रिय होता है। अधिकारी के ज्वाइनिंग से पहले ही कथित आईएएस उत्सव कौशल वीडियो से बात करता है और लगातार 40 मिनट तक बात करता है। इस बीच प्रखंड संचालन में अपने मन मुताबिक सब कुछ सेट करना चाहता है। सुनिए फिलहाल बड़ी उपसमाहर्ता विकास कुमार इस मसले पर क्या कहते हैं। हम वहाँ पर वीडियो थे तभी कोई फोन हमको नहीं आया, लेकिन जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ जी, उनको लगता है कि 11 मई को जी, 10 को आदेश निकला 11 के लिए, 10 के रात में किसी मिनट के जी, तो 11 तारीख के सुबह में 8 बजे आया है, लगभग हमसे 40 मिनट बात किया है जी। बस हम यही कह सकते हैं, उस वक्त ना हम जानते थे ना मेरे पास नंबर सेव है जी, लेकिन जिस भी सज्जन ने फोन कहा किया जी, उसने कहा कि हम मतलब आईएएस बोल रहे हैं, और कहाँ से आईएएस ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। जो वहीं पर जो लोग रह रहे हैं सबके पास लगभग सब चीज है, कोई बताना चाहे ना बताना चाहे, मतलब हमको गुस्सा हुआ न्यूज है कि वहाँ पर लोगों को सब जानकारी है जी। अब चलते हैं लखनऊ, जहाँ वीडियो से बात तो नहीं हो पाती, यहाँ नए वीडियो का ज्वाइनिंग नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ से सुराग मिला है वो भी चौंकाने वाला है। इधर लखनऊ प्रखंड में तैनात मनरेगा के प्रोग्राम अधिकारी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि उनके पास जिला से बड़ी अधिकारियों के माध्यम से कथित फर्जी आईएएस अधिकारी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था।
जिसमें कई कामों को पूरा करने और कई कामों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। आइए क्या करते हैं मनरेगा के पीओ स्वतंत्र कुमार हैं कि फील्ड में ये सब चीज चलता रहता है और हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि हाँ सही है गलत है क्या है पता करने में जी आइडेंटिफाई तो हो ही गया था अपने आप को रिजर्व कर लिए। वो उसमें बोला कि PRS लोग ऐसा करता है काम करवा कर रखता है बाद में पैसा निकाल लेगा कैसा DDC है जिसको कि PRS का इतना छोटा कहानी पता है ये माफ करके थोड़े ये कौन आदमी हो सकता है तो अनजाने में आदमी पकड़ में भी आ गया मैसेज भी भेजवा दिए अपने घर जाने के लिए होशियारी से एकदम मीठा मीठा बोलता था जी बोलते बोल और मतलब अब उकताहट हाँ दूसरा कि बहुत लंबा बात करने का कोशिश करता था मैंने यही तीन चीज पर पकड़ा ये कौन आदमी हुआ हम लोग को फुर्सत नहीं है बात करने का दूसरा कि आप सीधा बॉस आपके घर में कोई बीमार हो और वो छोड़ के आप हमारे घर का खबर लेने पहुंचिए तो ये तो कुछ अजीब बात नहीं है। CV वाला फोटो तो है ही 100% है जी मेरे पास जी। और उसके नीचे वो कैप्शन में मैसेज लिखा हुआ है कि लखनऊ प्रखंड में मनरेगा तहत फलना काम में हाँ उसने फाइनल इसी से पकड़ाया उसने एक बाद का नाम लिखा हुआ जी। इतना छोटा चीज आदमी कैसे जानेगा जब हम मान लीजिए हम आप रिलेटिव हुए जी हम आपके गांव में किसी घर का पता हमको पता हो तो थोड़ा सा अजीब नहीं बात है। अब हम बात करते हैं मधेपुर प्रखंड की तो वहां का हाल के कुछ महीनों में पदस्थापित BDO अर्चना कुमारी को कई बार कथित IAS उत्सव कौशल का फोन आ चुका है वह अपना विश्वास वहां कायम कर लेता है यहां उसे थोड़ा वक्त लगता है अपनी पैठ बनाने में इसलिए वहां एक अधिकारी से फोन भी करवाता है तब जाकर बात बनती है। इसके बाद फर्जी IAS गैंग पूरी तरह से जब अपनी पैठ बना लेता है तो नए पदस्थापित BDO को कई उल्टे सुलटे कामों को करवाने का दबाव बनाने लगता है। ढेरों फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज BDO अर्चना कुमारी के मोबाइल में है सुनिए BDO अर्चना कुमारी वीडियो में बता रहे हैं उत्सव कौशल का जी जी उनसे मेरी 4-5 बार बात हुई है उन्होंने किसी का पक्ष लिया है इस काम को कर दीजिए उस काम को कर दीजिए वो मेरे अपने हैं वगैरह वगैरह एक बार वो मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़ गए थे और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि यहाँ के टोला सेवकों की मुझे सूची चाहिए उसके जरिए मतलब एक IAS एसोसिएशन की तरफ से हम लोग कुछ मतलब जो COVID-19 वाले जो प्रवासी थे उनको वो लोग कुछ हेल्प करना चाहते थे तो मतलब मैं तो पर्सनली उन्हें जानती नहीं थी तो उन्होंने उनसे बात करना शुरू किए मॉर्निंग में ही उन्होंने बात किया था लगभग 1 घंटे बात हुई थी मेरी वो पूरा बताया कि ऐसे हमारा एसोसिएशन करना चाह रहा है तो हमको ये सूची चाहिए तो आश्चर्य की बात तो ये है कि जो COVID-19 वाले प्रवासी थे उनकी पूरी PDF फाइल मैंने व्हाट्सएप किया उनको जी जी और फिर उसके बाद मैंने टोला सेवकों की सूची भी उन्हें दी जी ऐसा मतलब 4-5 बार मेरी उनसे बात हुई है उस लोगों का काम भी उन्होंने बताया कि उनका काम जरा देख लीजिएगा तो वो तो एज यूजुअल आदमी कर ही देता है जी जी तो वो सब भी हुआ है 3-4 बार लगभग मेरी बात हुई है तो मुझे भी उसी दिन हो गया था जब वो कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक मुझसे बात करते रहे मैं सोच रही थी कि यार इतने IAS के पास इतना टाइम कैसे है एक वीडियो से 1 घंटे से बात कर रहे हैं अरे वो तो 2 लाइन लोग बोलता है कि हाँ फलाना मेरा आदमी है जरा देख लीजिएगा वो मुझे पूरा समझा रहे हैं कि उसकी उसको प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा तो वो जैसे कहेगा वैसे काम कर दीजिएगा लेकिन हालांकि काम तो कुछ किए नहीं उस वक्त हम उस वक्त अब नए ही थे यहाँ तो हमने कहा कि अच्छा ठीक प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत के किसान इंदु देवी का मनरेगा संबंधी काम में फर्जी IAS गैंग ने रोड़ा लटका दिया। लखनऊ और मधेपुर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका और सहायिका बहाली तक में फर्जी IAS गैंग हावी रहने की सूचना है। पड़ताल के दौरान अनुमंडल के अंधाखाड़ी में इस गैंग के क्रियाकलापों का कोई भी भनक अभी तक नहीं लगा है जिसके कथित IAS उत्सव कौशल का फर्जी एड्रेस इसी ब्लॉक में होना भी हो सकता है। इधर इन एंटी करप्शन कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश महतो ने इस मसले को गंभीरता से उठाया है। उसने DM और SP के समक्ष इसकी शिकायत की है। शिकायत को 1 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है।
हम आज भी जिला प्रशासन पर नजर गराए हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के आदेश की प्रतीक्षा है, जिसके बाद दूध पानी अलग अलग हो जाएगा। सोमवार को हमने डीएम और एसपी से बात करने का जत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब तक हम आपको फर्जी आईएएस गैंग के काले करतूतों से पर्दा उठाते रहेंगे, वह भी पूरे साक्ष के साथ। अंत में हम गैंग में शामिल लोगों के नामों का भी खुलासा करेंगे, क्योंकि सातीर कहीं दूर का नहीं है, नजदीक का ही है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़।